प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे हाँ नतिया, सब लोग ठीक है यहाँ पे? माँ सब कैसे हैं? हाँ, कैसी रही दिवाली? अरे वाह 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 वाह, अरे वाह। और गांव में सब लोग कैसे हैं? ठीक है ना? हाँ, सब लोगों को बोलना मेरी तरफ से साल मुबारक। ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ। ओहो टप्पू बेटा, इस साल साल मुबारक में अच्छी कमाई हुई तुझे। पापा ये सब कसरत की कमाई है। कसरत की? और नहीं तो क्या पापा, पूरा दिन बड़ों के पैर छूना एक कसरत ही तो है। तुम क्यों असर छोड़ी? कमाल करता है यार, वो गड्ढा फैमिली हंस रही है तो जरूर हंसने की बात होगी, इसलिए मैं भी हंस रहा हूँ। और चाचा जी, नए साल की मुबारक। वेरी बना साल मुबारक सोड़ी, हमेशा ऐसे ही हंसते रहे। अरे थैंक यू वेरी मच। ओ जेठा फ्रा, अरे साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक भाई। ओ तेरे भी मुबारक जेठा फ्रा यार। और दयापा मुझे नए साल की मुबारक। आपको भी नए साल की मुबारक है। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई सोड़ी, सुबह से सब लोग आके गए, तू दिखा नहीं, कहाँ था तू? अरे चाचा जी वो क्या है ना, दिवाली में मैंने अपने वर्करों को छुट्टी दे रखी थी और मुझे एक गड्डी अर्जेंट डिलीवरी करनी थी बलसाड़ में, तो मैं वो बलसाड़ में डिलीवरी करके आ रहा हूँ। लेकिन जो भी हो, साल मुबारक खत्म होने से पहले वापस आ गया। अरे खड़े क्यों, आओ बैठो बैठो। साल मुबारक सोड़ी अंकल। अरे जिंदा रहे टप्पू पुत्र यार, खूब तरक्की कर, आगे बढ़ता चल और मौजा शौजा मना अल्लाह मेरी तरफ। पर एक बार अपने भारत देश की बड़ी कमाल की है जी, एक साल में इतनी बार नया साल आता है कि पता ही नहीं चलता कि नया साल कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। अभी देखो ना, गुजराती लोगों का दिवाली में नया साल शुरू होता है, हम लोग का गुड़ी पाड़वा पे, तुम लोग का बैसाखी पे, और साउथ इंडियन लोगों का पोंगल पे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि महंगाई इतनी बढ़ने के बावजूद भी लोग त्योहारों में खरीदारी करना नहीं चूकते। हाँ बराबर है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। अब मिठाई देखिए, ऐसा लगता है कि मिठाई खाने के बदले सूंघ के ही रख दे। अरे हो भाई हो, तू क्यों रख रहा है? तू खा, तुझे नहीं बोल रही। तू क्या बोल रही है दया? यह बेचारा सुन के रख रहा है मिठाई। नहीं नहीं ठीक है। क्या हुआ बिल्ली मास्टर, खा खा। नहीं नहीं खा, तू थोड़ा इसको पैक करके भी दे देना। अरे अरे नहीं नहीं दया भाभी, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। और सिर्फ मिठाई महंगी नहीं हुई है, जरूरत की सारी चीजें महंगी हो गई है। और अगर इसी तरह चलता रहा तो दो तीन साल के बाद लोग फटाके खरीदना ही बंद कर देंगे। हैप्पी दिवाली बोल के ऐसे मुंह से ही फटाके का आवाज करेंगे। फुलझड़ी। वाह लविंग या 1000 किलो। वाह जेठालाल वाह, इसे कहते इको फ्रेंडली दिवाली।
इको एज इन इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल काय बरोबर की नाही काजू कतरी खा नहीं नहीं राव दे और चाचा जी सच कहूँ ना तो ये जमाने से अच्छा हमारा जमाना था। हाँ वो तो है। अरे भाई सोना 100 रुपए तोला मिलता था। क्यों कर रहे हो चाचा जी? फिर और आज देखो भाव कहाँ पहुँच गया, 20,000 रुपए तोला हो गया। बोलो आज तो 100 रुपए में अंगूठी का बॉक्स भी नहीं आएगा खाली। और सच क्या जेठा प्रा, आजकल गोल्ड में और प्रॉपर्टी में खूब धूम मची हुई है। बिल्कुल सोड़ी, अभी अपने गोकुलधाम सोसाइटी की बात ले लो, लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है लेकिन फ्लैट से अवेलेबल नहीं है। चलो जी मैं चलता हूँ। तो मैं बैठ के क्या करूंगा यार, चलो। अब पीढ़ी को तो मैं नीचे से ऊपर जबरदस्ती पकड़ के ले आया था, ये सोचकर टायर से बली स्टेपनी। थोड़ी कहावत ठीक से दिया करो, एक से भले दो ऐसे। मुझे तो जाना है, क्या है ना मैं आज सुबह भी जल्दी उठा था और कल सुबह भी जल्दी उठना है। क्यों कल फिर से जाना वलसाड? और नहीं प्रा, सोसाइटी के गार्डन में जाना है। क्यों सुबह सुबह गार्डन में क्यों? ओए तंदुरुस्ती के लिए, ठंडी शुरू हो गया ना, और ठंडी की यही है रीत, कसरत करके रहो। थोड़ी बिल्कुल सही कहा, कसरत तो करनी चाहिए, मैं भी आऊंगा कल तेरे साथ। ओ आजा 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 यार, इसे कहते हैं एक तार से बली दो स्टेपनी। अबो ये भाई ट्रैक्टर, कल सुबह जल्दी उठ के ये टायर और स्टेपनी के साथ तू भी दौड़ने जाना, समझा? जी जी बापू जी जी। चलो थोड़ी चलते हैं, चलो मिलते हैं ट्रैक्टर, कल जॉगिंग ट्रैक पे मिलते हैं जेठालाल। चलो फिर निकलते हैं। चलो 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 यार जाना है। हाँ हाँ चलो चलो जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, मजा आ गया जी। चलो चलो ओके ठीक है, साल मुबारक भाई। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सुप्रभात मेहता साहब। ओहो सुप्रभात, एकमेव सेक्रेटरी महोदय, ठंड शुरू और कसरत शुरू? हाँ मेहता साहब, कसरत और योगा तो मैं साल के 365 दिन करता हूँ, और आ ठंड का सवाल तो ये ठंड भी कोई ठंड है। अरे वातावरण कितना बिगड़ गया है मेहता साहब। अरे मौसम तो छोड़ो भाई, त्योहार मनाने का तरीका भी बदल गया। अब परसों दिवाली गई, आज कहीं लग रहा है कि दिवाली थी 2 दिन पहले। बिल्कुल ठीक कहा मेहता साहब, अभी आज भाई तुझे कोई बोलेगा। पर मुझे एक बात बताओ बेटे, कि हम सुबह सुबह क्या यहाँ पे पर्यावरण और त्योहार डिस्कस करने के लिए खड़े? चलो ना पास के ग्राउंड में एक बड़ा सा चक्कर काट के आते हैं, आओ। हाँ बिल्कुल चलो, मुझे लगा आप यहाँ पे खड़े हो तो अंजलि भाभी का तो जेठालाल का वेट कर रहे होंगे। नहीं नहीं, अंजलि तो घर में योगा कर रही है, और जेठालाल उसका सुबह सुबह वॉक और कसरत से वही लेना देना है जो बैलगाड़ी और रिमोट कंट्रोल का है। मेहता साहब बैलगाड़ी और रिमोट कंट्रोल का क्या संबंध है? एग्जैक्टली, जेठालाल और कसरत का भी कोई संबंध नहीं है। सो रहा होगा भी कुंभकर्ण की तरह, उठेगा और जले भी फाफड़े खाएगा। हाँ, दबा के वो भी। चलो जी जी बापू जी। क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों बैठी है? वो बापू जी आज भाई दूज है तो सुंदर वीरा की बहुत याद आ रही है। अरे तो सुंदर को फोन कर और बात कर ले। बापू जी मैं कब से उसको फोन लगा रही हूँ, वो मोबाइल उठा ही नहीं रहा है। अरे तो सो रहा होगा, मोबाइल यहाँ वहाँ रख दिया होगा, वो जैसे ही मोबाइल देखेगा तुरंत तुझे फोन करेगा। है जी जी बापू जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं जेठिया के साथ पीऊंगा। वो तो सो रहा है। जेठा अभी तक सो रहा है? इस जेठिया को तो 6 महीने मिलिट्री में भेज देना चाहिए, वहाँ सुबह 4 बजे उसे जल्दी उठा के परेड करवाएंगे ना, तब उसे पता चलेगा। उठा उठा उस आलसी को उठा। हाँ जी। त्योहारों के दिन भी सोता रहता है। हाँ। उठा। हाँ। पापा जल्दी जल्दी उठियो जल्दी। सुने देना भाई। अरे बापू जी बुला रहे हैं। चल झूठे, बापू जी के नाम से डरा मत। अरे सच में बापू जी बुला रहे हैं, उठियो जेठिया। अच्छा अभी नए साल में नया
बापूजी का आवाज भी निकलने लगे तो। अरे मैं नहीं बोल रही हूँ, सच में बापूजी बोल रहा है। देखिए आया बाबूजी। हाँ बाबूजी। ये कुंभकर्ण पूरी दुनिया उठ गई, तू अभी तक सो रहा है क्या? ये क्या, पूरी दुनिया उठ जाए तो मेरा उठना जरूरी है बाबूजी? सॉरी, वो कल रात को थोड़ा लेट हो गया था सोने में, इसलिए सो रहा था। तो रात को लेट क्यों सोया? कल दुकान से तो जल्दी आ गया था। वो बापूजी कल देर रात तक वो गुजराती फिल्म देख रहे थे, वीर मंगला वाला। क्या? हाँ। ये मंगला वाली? नए साल के पहले दिन ही देर रात तक पिक्चर देखता रहा। खत्म। अब पूरा साल देर रात तक पिक्चर देखता रहेगा और फिर पूरा साल सवेरे देर से उठेगा, उठते ही जलेबी फाफड़ा ठूसेगा और फिर दुकान में जाके पूरा दिन वो कुर्सी पे पड़ा रहेगा। फिर लोग तुझे बोलेंगे वीर चर्बी वालों। पिक्चर तुझे देखनी थी, अभी डांट मुझे पड़ रही है। सॉरी। ए, ए चर्बी। हाँ? क्या बहू को क्या बोल रहे? ना कुछ नहीं। कुछ नहीं तो खड़ा क्या? क्या ये क्या? तो क्या अभी क्या करूँ क्या बापूजी? ये क्या करूँ वाली, ठंडी शुरू हो गई है, कसरत कर, दौड़ने जा, वजन कम होगा। कल भी तुझे बोला था ना कि सुबह जल्दी उठ के गार्डन में दौड़ने जाना। ठीक है बापूजी, कल से गार्डन में दौड़ने जाऊंगा। क्यों, आज क्या पैरों में मेहंदी लगी है? आज से ही दौड़ने जा। ओ, जी। जिस दिन ये दौड़ने ना जाए उस दिन उसे नाश्ता भी मत देना। ठीक है बापूजी। ए भाई, ए खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है, जा। अरे खड़ी क्या भाई, निकल मेरा ट्रैक सूट निकल। ट्रैक सूट तो ऊपर बैग में पड़ा है, धोना पड़ेगा। बापूजी ओ ट्रैक सूट आज धुल जाए, आज धुल जाएगा ना? आज धुल जाएगा तो फिर कल से मैं चौकस दौड़ने जाऊंगा। क्यों, इन कपड़ों में क्या तकलीफ है? हाँ, इन्हीं कपड़ों में जा। ठीक है। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है, बेडरूम में दौड़ेगा? ब्रश करूँ के ऐसे ही जाऊं? ठीक है, फटाफट ब्रश कर और जा, मैं यहीं बैठा हूँ। बापूजी, अब आपके लिए चाय लाऊं? हाँ। बापूजी, नाश्ता लाओ। नहीं, चाय ला। बापूजी भी गजब है, कसरत करने से शरीर की तंदुरुस्ती बनती है, अरे नींद पूरी नहीं होने से तबीयत बिगड़ती है, उसका क्या? गुड मॉर्निंग बेटा भाई। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ, उत्साह उत्साह है सुबह सुबह। अय्या चलो। जेठा जी, जेठा जी यहाँ क्यों सो रहे?
दया भाभी के साथ रात को झगड़ा हुआ होगा, इसलिए बाबूजी ने घर से निकाल दिया होगा, इसलिए इधर आकर दो गया। क्या यार कुछ भी बोल रहे हो जेठा जी। ओ मैडम साहब, क्या हुआ? इधर आओ इधर आओ, यहाँ देखो कौन बड़ा है। अरे क्या हो गया? अरे आराम, जरा देर ना बोलो, जेठालाल जाग जाएगा। अरे जाग जाएगा क्या भाई, जगह नहीं तो है, ये कोई सोने की जगह है। जेठालाल, ओ घड़ा साहब, जेठालाल, जेठालाल, ओ घड़ा साहब, जेठालाल, की हो गया यार? देख ना जेठालाल उठ ही नहीं रहा, कब से उठा रहा है? अभी उठा देते हैं आप। अरे कोई घर में नहीं घुसा है, तुम गार्डन में घुस गए हो। इंसानों से जो काम नहीं हुआ वो कुत्ते से हो गया। ओए मेहता साहब, मैंने जो कुत्ते की आवाज निकाली उससे। बबीता जी, क्या सोडी ने डराया? पर जेठालाल ये क्या माज रहा है भाई, ऐसे गार्डन में बेंच पे सो रहे थे क्या? अरे भाई वो क्या हुआ कि कल रात को थोड़ा देर से सोया मैं, तो सुबह बहुत नींद आ रही थी, इतने में बापू जी बोले ठंड का मौसम है, चलो बाहर जाओ, गार्डन में जाओ, कसरत करो, थोड़ा दौड़ा दौड़ी करो, तो इसलिए बाहर धकेल दिया। गार्डन में आया तो इतनी नींद आ रही थी, तो आके बैठा ही था बबीता जी। बबीता, हम लोग वॉक कंटिन्यू करते हैं। तुम स्लीपिंग कंटिन्यू करो। ओके चलो चलो, बाय एवरीवन, बाय। चलो भाई चलो, क्या तमाशा हो रहा है क्या? चलो 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 पीड़ू, हम भी जॉगिंग करते हैं, आजा। नहीं भाई, हमारी एक्सरसाइज तो हो गई है, मेरा जॉगिंग हो गया है। तुम करो तुम करो, चलो मैं तेरा चलता हूँ। गुड नाइट जेठालाल, आई मीन गुड मॉर्निंग चापले। आइए आइए मेहता साहब, आइए बैठिए बैठिए। अरे बैठो मत यार, चाचा जी ने कहा तो थोड़ा चक्कर लगाओ एक दो। अरे भाई चाचा जी की बातें मत करो, यह ठंड का मौसम आता है और चाचा जी को भूत सवार होता है मुझसे कसरत करवाने का। काश एक और मेरा फ्लैट होता तो बापू जी बोले मुझे कसरत करने के लिए फ्लैट से निकाले, मैं सीधा दूसरे फ्लैट में घुस के सो जाता। फ्लैट चाहिए तुम्हें, दिलाऊं एक? हैं? अरे शानदार, बहुत बढ़िया, वाजिब दाम पे, इतना बढ़िया फ्लैट है जिसकी हद नहीं। अच्छा? विरार में। अरे क्या मजाक कर रहे हो सुबह सुबह मेहता साहब, मैं इधर घर से निकल कर ट्रेन पकड़ के विरार में सोने जाऊं? अपनी सोसाइटी में कोई फ्लैट हो तो बोलो। अपनी सोसाइटी में फ्लैट? अरे भाई अपनी सोसाइटी में फ्लैट आसानी से मिलता कहाँ है? पहली बात तो एक भी फ्लैट बिकाऊ नहीं है, दो चार फ्लैट बंद पड़े हैं, उनके ओनर्स भी पता नहीं कहाँ है, बेचना ही नहीं चाहते इन फ्लैट्स को। और सच पूछो तो दाम क्या हो गए यार, दो साल पहले जो फ्लैट 40 लाख में मिल जाता था जेठालाल, सीधा 54-55 लाख। मेहता साहब अगर सगवड़ हो तो मैं तो कहता हूँ प्रॉपर्टी में थोड़ा इन्वेस्ट करो, बहुत फायदा होगा। अरे सो नाइस ऑफ यू जेठालाल मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन भैया मैं लिमिटेड इनकम वाला राइटर आदमी हूँ, मैं कहाँ से फ्लैट खरीदूंगा, ये तुम जैसे व्यापारियों के काम है। तो बोलो तो एक दिला देता हूँ आपको फ्लैट, बोलो। अरे नहीं 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 भाई, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, मुझे सोने के लिए दूसरे फ्लैट की जरूरत नहीं है। भाई चलो चलता हूँ, चलो चलो फिर मैं भी। एक काम करता हूँ, बापू जी ने बोला ये तो दो तीन चक्कर मार ही लेता हूँ। ये भी ठीक है, वाह सपूत। हाँ सपूत सपूत। बाय जेठा जी, बाय मेहता जी, बाय 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 बाय। तो अब क्या इरादा है जेठालाल, चलना है या चलना है? सब चलने वाले चले गए, फिर मैं क्या इधर चलता चलता भजिया तलो। चलो भाई चलो चलो। तो वो बात बराबर है ना। चलो चलो। अरे यार कल सुबह चद्दर और तकिया भी लेके आना ना, वो क्या बाकड़े में सोने में तकलीफ होगी ना। अब भी बस ना, बच्चे के जान लोगे क्या? चलो चलो, चलो ओके। टैक्सी के पैसे देने पड़ेंगे। सच
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा पूरी प्लानिंग के साथ हिंदुस्तान आए हैं और इधर अचानक ही गोकुलधाम में सुंदर लाला पहुंचे हैं। आप सुबह सुबह गार्डन में घूम रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए तो आपकी स्थिति कैसी होगी? वैसी ही स्थिति अभी हमारे मित्र जेठालाल की हो गई है। भाई शिकार बनने की स्थिति में है अभी जेठालाल, क्योंकि सुंदर को आप जानते ही हैं। और इसी तरह से दिवाली के रॉकेट की गति से जेठालाल अपने घर की ओर भागे हैं, क्योंकि सुंदर यानी कि जेठालाल के लिए मुसीबत का दूसरा नाम। अब ये नई मुसीबत क्या लेके आए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन नए साल के दूसरे ही दिन बम की तरह फट गए हैं इनके जीवन में अभी सुंदरलाल। सुंदर के आगमन के साथ ही जेठालाल के दिमाग की तमाम खिड़कियां बंद हो गई है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं मेरे दोस्त की कुंडली, चाहे सुंदर हो या कोई और, लेकिन 365 दिन ही कोई ना कोई नई मुसीबत इनके जीवन में रहती है। अब सुंदरलाल क्या करने वाले हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर सुंदर आए हैं तो भाई स्थितियां आसान तो नहीं होगी। जेठालाल के लिए एक नई मुसीबत इंतजार जरूर कर रही है। अब ये मुसीबत क्या होगी ये सब होगा हंसी के साथ, ठाकुर के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।